बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर 8,369 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के लिए 2,778 करोड़ की राशि। वहीं आप देखेंगे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 841 करोड़ की राशि। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 561 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। स्वच्छ भारत मिशन, इसके लिए 400 करोड़ की राशि। प्रधानमंत्री जनमन योजना के लिए 300 करोड़ की राशि। और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 94 करोड़ की राशि। और मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 50 करोड़ की राशि। ये प्रमुख योजनाएं आने वाले CGPSC CG व्यापम में पूछे जाएंगे और खासकर रेडियो के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन करोड़ ये जो राशियां हैं बजट का, इसको अपडेट करके आप लोग याद रखेंगे। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में पंचायतों की संख्या को अपडेट याद रखना बेहद जरूरी है। ध्यान सुनिएगा, छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में 33 जिले हो गए हैं, तो यहाँ पर क्या जिला पंचायत 33 हो गए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत की संख्या अभी भी 27 है वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से। वहीं जनपद पंचायत की संख्या 146 है और ग्राम पंचायत की संख्या आपको याद रखना है 11,600 है। फिर से याद रखिएगा, जिला पंचायत 27 है, जनपद पंचायत 146 है और ग्राम पंचायत 11,600 है, 33 जिलों के आधार पर। ये आंकड़े आने वाले परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको याद करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। साथियों, CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं के लिए कुछ नए आंकड़े हैं जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है। बजट 2024-25 के अंतर्गत जो प्रमुख योजनाएं हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, उनमें ये खास योजनाएं हैं जिनकी राशियों को अक्सर पूछा जाता है सीधे सीधे प्रश्नों में। तो यहाँ पर ये खास योजनाएं हैं जिनका मैं अपडेट आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर बजट में 8,369 करोड़ की राशि प्रावधान किया गया है। वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, इसमें 2,778 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। फिर आप देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गाँव के सड़कों को जो है विकसित करने के लिए योजना लाई गई है, जिसके लिए 841 करोड़ की जो बजट है ये आवंटित किया गया है। बजट 2024-25 में देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको बिहान के नाम से जानते हैं, इसके लिए 561 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। फिर हम देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, याद रखेंगे। फिर प्रधानमंत्री जनमन योजना, आदिवासी अंचल के लिए, जनजातियों के लिए विशेष योजना, इसके लिए लगभग 300 करोड़ की राशि आवंटित की गई है बजट में। फिर हम देखते हैं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बाद मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 94 करोड़ की राशि बजट 2024-25 में रखी गई है। वहीं देखते हैं मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, इसके लिए 50 करोड़ की राशि आवंटित है। तो इस प्रकार से ये जो 8 योजनाएं हैं आपके आने वाले परीक्षा CGPSC CG व्यापम और स्पेशली ADO के लिए तो बेहद जरूरी है। आप इस आंकड़ों को अच्छे से याद करेंगे या आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना प्रबल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले समय बहुत सारी परीक्षाएं हैं और ऐसे ही अपडेट जानकारी आपको मैं देते रहूँगा। धन्यवाद साथियों, जय जोहार, जय छत्रसाल।